एक सीधा साधा हाथी और एक चालाक लोमड़ी दोस्त थे। दोनों साथ में घूमा करते थे। एक दिन वो दोनों भोजन की तलाश में जंगल में इधर उधर घूम रहे थे कि रास्ते में उन्हें एक शेर मिला। आओ, मुझे तुम्हारी ही तलाश थी, अब तुम दोनों में से एक मेरा भोजन बनेगा। यह सुनकर हाथी बहुत घबरा गया। उसने लोमड़ी से कहा, तुम शेर से बात करके देखो। ठीक है शेर भाई जरा मेरी बात तो सुनो, आपके कान में कुछ कहना है। कहो। शेर भाई, आप तो मेरे भाई हैं, मैं तो आपकी सब बातें मानती हूँ। मुझे खाकर आपका कोई फायदा नहीं, आपका पेट भी नहीं भरेगा, सच कह रही हूँ। इसीलिए एक आपको उपाय बताती हूँ, आपको हाथी को ही खाना पड़ेगा, तभी जाके आपका पेट भरेगा। इतना बड़ा हाथी खाने के बाद 2-4 दिन मजे से आप सो सकते हैं, आराम कर सकते हैं, नहीं तो मुझे खाके कल तक फिर भूख लग जाएगी। पर वो कैसे हो सकता है, मैं तुम दोनों को खाऊंगा। अरे नहीं नहीं, आप मेरी बात मानो, आपको बस मेरे साथ मिलकर हाथी को गड्ढे में गिराना होगा। फिर दोनों ने मिलकर हाथी को गड्ढे में गिरा दिया। अब शेर खुश था कि उसका शिकार कब्जे में है। अब तुम इधर आओ चालाक लोमड़ी, खुद को बहुत चालाक समझती हो, अपने प्रिय दोस्त हाथी को भी मेरे लिए धोखा दे दिया। ऐसा कहकर शेर ने लोमड़ी को अपने पंजों में पकड़ लिया और उसे खा गया, जो दगाबाज थी।